कोई पूछ रहा है कि मेडिटेशन और योगा का जीवन में क्या रोल है। देखिए पहली बात तो यह है कि मेडिटेशन और योगा आज की डेट में लोग दवाओं की तरह यूज करने लगे हैं और यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। व्हेन यू वर स्मॉल किड, 5 साल के थे, 7 साल के थे, 10 साल के थे, यू वर नेचुरली हैप्पी और नॉट? यस, समस्याएं बाद में आना शुरू हो गई। अब क्या है, मेडिटेशन और योगा दवा की तरह लोग यूज करते हैं। योगा इन ट्रू सेंस इज नॉट एक्सरसाइज, पहली बात, उसके एक अलग चीजें हैं, उसकी एक अलग मीनिंग है। मेडिटेशन इज नॉट दैट क्लोज योर आइज एंड सिट डाउन एंड दैट इज मेडिटेशन, राइट? दैट इज नॉट। इट कैन हेल्प यू अ बिट, लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग योर डे, यूजुअली आप फोन से अपना दिन शुरू करते हो। अब लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके आधे घंटे बैठे रहते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा बेहतर होगा। ठीक होगा कि नहीं होगा कि तुमने आधे घंटे उठते ही स्क्रीन नहीं यूज करी है, तुमने आधे घंटे बैठ के शांति से बैठे रहे हो। शांति कहां होती है, मन में तो ढेर शांति होती है, मन करता है कब आंख खोल दें, बट फिर भी बेहतर होता है दिन स्टार्ट करना आप स्क्रीन से दूर हो। तो आप मेडिटेशन और योगा को एक सोल्यूशन की तरह मत देखिए, ना ही मेडिकेशन की तरह देखिए। इससे आपको कोई समाधान ऐसे नहीं मिलने वाला है। आप अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सामना करिए, उन समस्याओं के साथ समय बिताइए। मेडिटेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि जब आप बैठ रहे हो तो आप चीजों के तह में जाना चाहते हो। आप आंख बंद करके, कहने का मतलब सिंपल सा यह है कि आप बाहर उस समस्या को, समस्या के किसी कारण को नहीं तलाश रहे हो, अंदर तलाश रहे हो कि आखिर मैं इतना परेशान क्यों रहता हूं। 10 साल का था मैं तो इतना परेशान नहीं था, आज क्यों रहता हूं, क्या प्रॉब्लम है। तो ये इस चीज को फॉलो करके डीपली समझना, और फिर चीजों को जब आप ठीक से समझ लेते हो तो ठीक से समझने के बाद अपने आप उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हो, आप वो एक्शंस लेने लगते हो, करने लगते हो, जिससे उसमें सुधार आए। तो योगा और मेडिटेशन को जिस तरह से यूट्यूब पर प्रमोट किया जा रहा है, राइट, एक समाधान की तरह, एक दवा की तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं इतने लोगों को बता दूंगा जो रोज मेडिटेशन करते हैं सुबेरे उठ के, और दिन में किसी के ऊपर अपना बिल फाड़ते हुए नजर आएंगे, चिल्लाते हुए नजर आएंगे, आग बबूला होते हुए नजर आएंगे, अपने आप को परेशान करते हुए, शाम तक आते आते वो सब गायब हो जाता है, क्योंकि जिंदगी जीना नहीं आता उनको, उनको जिंदगी नहीं पता। बस सुबह उठ के आधे घंटे मेडिटेशन कर ले तो उनको लगता है सब शॉर्ट हो गया, कुछ नहीं होता है। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू बी कॉन्शियस थ्रू आउट द डे व्हाट्स हैपनिंग टू यू, शुड नो योर सेल्फ कंप्लीटली। तो इफ यू आस्क मी पर्पस ऑफ मेडिटेशन, देन आई विल से दिस, क्लोज योर आइज, जस्ट सिट डाउन एंड ट्राई टू सी व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड यू, व्हाट थॉट्स यू आर गोइंग थ्रू, ओके, फिगर आउट अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, राइट। मेडिटेशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी डीप, और ये आधे घंटे का जो मेडिटेशन जो चीज प्रमोट होती है, थोड़ा मानसिक शांति दे सकती है आपको कुछ क्षण के लिए, ये समाधान नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, दिन भर तुम्हें आंख खोल के ही रहना है, तो वो आंख खोल के रहते समय तुम्हें देखना है तुम किस तरह से रहते हो। समझ में आया?